ये जो देख रहे हैं ना, पूरा टॉप व्यू से, टॉप व्यू से किस तरह से दिखता है आपका घर, वो आज इस वीडियो में आप देखेंगे। एंड लिंटल का साइज़, इसका थिकनेस, और नेक्स्ट आता है आपका ये छज्जा, छज्जे का साइज़ कितना रहना, पूरा आपको विस्तार में मैं बताता हूँ। वीडियो को देखो यार। एंड नए हैं चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। चलिए अब हम फर्स्ट इसका प्लान दिखाते हैं आपको, प्लान के बाद, या फिर इसका प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं इस घर का कंस्ट्रक्शन का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसको एक बार चेक करना। एंड लिंटल के समय कंपलसरी आप लोग इलेक्ट्रिशियन को ज़रूर बुलाएगा, इलेक्ट्रिशियन का नेसेसरी है, विदाउट इलेक्ट्रिशियन आप काम नहीं कर सकते हैं। मतलब लिंटल के अंदर जो है कुछ पाइप्स आते हैं ना, या फिर बाद में आपको तोड़ फोड़ करना पड़ता, वो तोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब देखो, फर्स्ट आपको एक पोर्शन दिखाऊंगा, वो है आपका मेन एंट्रेंस, या फिर आप उसे कह सकते हैं सिट आउट। जैसे कि वर्स, वहाँ से जो आपका मेन डोर, मेन एंट्रेंस है घर के अंदर, वहाँ से एंटर करते हैं, ये आपका सिट आउट एरिया। सिट आउट में देखो, जिसका साइज़ 9 बाय 12 फुट, एक विंडो यहाँ पे 5 बाय 4 फिट का, ये विंडो नहीं है। इधर जो आता है आपका शेल्व्स, आप चाहे तो इस तरफ पे भी ले सकते हैं शेल्व्स, या फिर सिट आउट में, सिट आउट पर्पज़ वहाँ पर एक्स्ट्रा दी गई है, सो ये जो है इस तरफ आ जाएगा अंदर हॉल के अंदर। अब देखो, अब यहाँ से टॉप व्यू से आप देख रहे हैं, ये टॉप व्यू से आप देख रहे हैं ना, ये आपका हॉल, हॉल का साइज़ ऐसा 14 फीट, ऐसा जो है 18 फीट तक। अब हॉल के अंदर कितना विंडोज़ ले सकते हैं आप, वो एक विंडो है यहाँ पर ले सकते थे आप, बट इधर जो है ना, उधर स्टेयरकेस आ रहा है, इसीलिए नहीं लिया गया। उसकी बजाय क्या है, यहाँ पर लिया गया ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इधर जो है विंडो लिया गया, विंडो का साइज़ थोड़ा ज़्यादा रखेगा 6 बाय 4 फीट में, सो दैट हॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट आता है टीवी कहाँ पे रखना। टीवी के लिए जो ये वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पर अगर आप 2 फीट का ऐसा कुछ बनाए भी समझो, उधर क्या है यल शेप में बैठने को जगह मिलता है, और टीवी के लिए भी सफिशेंट जगह है। अब मैं छज्जे के बारे में बताऊंगा आपको बाद में। अब नेक्स्ट आता है बाहर की तरफ जो स्टेप्स है, देखो ये स्टेप्स देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे स्टेप्स लिया गया, वो आपका बेसमेंट हाइट था, बेसमेंट हाइट से जो है ये 3 फुट चेंज का स्टेप्स लेगा, एक एक स्टेप्स, ओके एक एक स्टेप जो है 3 फुट चेंज का। इसके नीचे टॉयलेट रूम भी आ रहा है, ये लैंडिंग के नीचे। एंड अभी जो काम चल रहा है वो आपका कंपाउंड वॉल पर्पज। सो ये हॉल था, हॉल से आप एंटर करते हैं घर के अंदर, इधर से ये ओपनिंग रखा है, वहाँ पे आपका पूजा रूम, इधर टीवी के लिए जगह, यहाँ से आप चलते हैं किचन के अंदर। इधर से देखो, यहाँ पे नीचे ओपनिंग रखा गया था, यहाँ से एंटर करें आप किचन, किचन में एक एक्स्ट्रा डोर है, किचन में एक एक्स्ट्रा डोर, और ऊपर से ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये स्टोरेज के लिए दिया गया, ये आपका स्टोरेज के लिए जगह, और वो आपका नीचे से एंट्रेंस, ये आपका स्टोरेज के लिए जगह मिल रहा है आपको, वहाँ पे एक विंडो, एंड अभी एक वेंटिलेटर लिया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे और एक स्टेप्स आ जाते हैं, ये डुप्लेक्स घर है ना, उसकी वजह से। अब नेक्स्ट ये बेडरूम और बाथरूम दिखाता हूँ आपको, यहाँ से एंटर होते हैं आप, यह आता आपका बेडरूम, बेडरूम को एंटर होने से पहले यहाँ पे बाथरूम के लिए ओपनिंग, सिंगल ब्रिक वॉल रहा तो क्या हम लिंटल ले सकते हैं या नहीं, हाँ जी ज़रूर ले सकते हैं। ये जो सिंगल ब्रिक वर्क है, यहाँ पे जो है लिंटल लिए गए, ये 4 इंच का लिंटल आता आपका, यहाँ से ये अब साइज़ की बात करें तो 4 बाय 8 फीट तक है, मोस्ट सफिशेंट है जनरल बाथरूम पर्पज़। ओके ये था, फिर उसके बाद नेक्स्ट इधर से आप चले जाते हैं बाथरूम के अंदर, बाथरूम हो गया, यहाँ से भी आप बेडरूम में जा सकते हैं, सो ये आपका बेडरूम। अब देखो यार, बेडरूम में क्या गया, दो तरफ इनर लॉफ्ट लिया गया, ये एक तरफ हो गया और यहाँ पे दूसरा वाला भाग,
सो उधर एक विंडो, ठीक है, एक छोटा सा विंडो लेगा, क्रॉस वेंटिलेशन रहना ज़रूरी है इसलिए लेगा, यहाँ पे और एक विंडो है। एंड अब तक जो को सिर्फ 8 लाख रुपए अब तक खर्चा हो चुका है इस घर को 40x40 डुप्लेक्स कंस्ट्रक्शन के लिए। सो 8 लाख के अंदर आप इस तरह के एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओनर्स का जो एस्टिमेटेड है उनके द्वारा। एंड ये प्लान दिया था मैं कुछ दो तीन महीने पहले ऐसे। अब नेक्स्ट लिंटल का थिकनेस कितना रहना, 6 इंच ले लो, इनफ है, 6 इंच 5 इंच चल जाता। 6 इंच क्या है, एक स्टैंडर्ड थिकनेस रहता है। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं ये छज्जा। अब देखो यहाँ पर जो छज्जा देख रहे हैं ना, ये आता आपका 9 इंच का छज्जा, जो पत्थर रहता है ना आउटर वॉल 9 इंच प्लस, ये कितना लेना, 15 इंच लिए तो भी चलता, 18 इंच भी ले सकते हैं। सो 15 इंच नेसेसरी है, जहाँ पर ज़्यादा धूप और बारिश रहता उधर जो है आप लोग ले सकते हैं थोड़ा ज़्यादा। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब अंदर की तरफ का वो लोफ्ट कितना रहना, 18 इंच लिए तो भी चलता। और कुछ डाउट रहा तो भी ज़रूर हमें पूछिएगा। थैंक यू।